हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, नवरात्र आ रहे हैं और आज हम आपके लिए फलाहारी यानी कि व्रत में खाने वाली एक रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है व्रत का चीला। इसको हम साबूदाने से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए व्रत वाला चीला या साबूदाने का चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। व्रत का चीला बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं दो आलू, मीडियम साइज के आलू हैं और बॉईल करके रखे हैं। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से क्या होता है कि जब हम मैश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। दोनों आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। आलू को हम एक साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबूदाना अच्छी तरह से धो के एक घंटे पहले भिगो दिया था। आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत अच्छे से भीग चुका है। एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं हुआ है। हमने लिया है एक ग्राइंडिंग जार, इसमें भीगा हुआ साबूदाना डाल देंगे। साबूदाने को हमने जार में डाल दिया है। अब हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च। हमने यहाँ पे पाउडर लिया है, आप चाहें तो साबुत काली मिर्ची को थोड़ा दरदरा कूट करके भी डाल सकते हैं। व्रत का चीला बनाने जा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिया है सेंधा नमक। जो व्रत में नमक खाया जाता है वही नमक लिया है हमने, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है। व्रत के चीले में बहुत ज्यादा मसाले नहीं डलते हैं क्योंकि व्रत में बहुत ज्यादा मसाले यूज में नहीं लिए जाते हैं। हमने आलू कद्दूकस किया था, आलू को भी जार में डाल देंगे। साबूदाने को ग्राइंड करने के लिए अब हम यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाल देंगे। पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि बैटर पतला हो गया तो हमारे चीले अच्छे नहीं बनेंगे। अब एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने साबूदाने और आलू का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अभी हमारा पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ा है इसलिए हम 1/4 ग्लास के आसपास पानी इसमें और डाल देंगे। देखिए, पानी मैं डाल चुकी हूँ। अब एक इसमें जो बहुत ही जरूरी चीज है वो डालनी बाकी रह गई है, उसको भी हम डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है सामक का आटा, घर पे तैयार किया हुआ है। ये हम लगभग 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने 4 चम्मच सामक का आटा डाल दिया है। जो समा के चावल आते हैं वो मैंने बारीक पीस के रखे हुए हैं, वो डाल दिए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो एक कटोरी साबूदाना और एक कटोरी सामक आप पीस करके फाइन पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार वापस ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, चीले के लिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम सारे बैटर को एक बाउल में निकाल देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम सामान से बनने वाला बहुत ही टेस्टी चीला है, बहुत आसान रेसिपी है और व्रत में सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप हरा धनिया पसंद करते हैं तो आप धनिया पत्ती भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। गैस पे हमने तवा गर्म होने रख दिया है। थोड़ा सा घी लगा देंगे, घी या तेल आप जो भी पसंद करते हैं वो लगा लीजिए। इस तरह से चीले का बैटर लेंगे और तवे पर डाल देंगे और बिल्कुल हल्का सा फैलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है। लिड लगा देंगे और पकने देंगे। जब तक हमारा चीला एक तरफ से नहीं पकेगा तब तक हम उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो चीला हमारा टूट जाएगा। व्रत का चीला बनके रेडी हो गया है। देखिए, किनारे भी छोड़ दिए हैं। अब हम इसकी आहिस्ता से साइड चेंज कर देंगे, ये देखिए, और दूसरी तरफ से भी इसको इस तरह से सेक लेंगे। व्रत का चीला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोनों तरफ से सिक्के एकदम तैयार हैं। आपको पास से दिखाते हैं। व्रत में बनाने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी है। इन नवरात्रों में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखें। आइए इसी तरह से हम और चीले बना लेते हैं। व्रत वाले सभी चीले हमने बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप रेसिपी को ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।